हम आपको दिखाते हैं कि ये वो घर है जहाँ पर मलबा साफ किया जा रहा था, तो नीचे दो मंजिला एक ज़बरदस्त खूबसूरत घर जो है वो दरियाफ्त हुआ है। तो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। ये देखिए लोग आ रहे जा रहे और देख रहे। तो यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ एंगल से। और बताया जाता है कि ये घर जो है तीन भाइयों की मलकियत में रहा है। फिर उन्होंने वहाँ पर जो है एक सिख कम्युनिटी के एक बंदे को फरोख्त किया और सिख कम्युनिटी के उस शख्स ने मलबा जो है वो फरोख्त किया किसी दूसरे शख्स पर कि इसको हटाया जाए मलबे को। जो ही मलबे पे उन्होंने काम शुरू किया तो नीचे जो है वो मलबा धड़म होके नीचे गिर गया और ये घर जो है वो बरामद ये दरियाफ्त हो गया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस घर से मुख्तलिफ रास्ते जो है वो एक दूसरे जगहों से जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अलग जो है एक रास्ता है जो इसी घर में जाता है, लेकिन पता नहीं ये किस जानब ये जाएगा। तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर जो इर्द गिर्द का ये जो इलाका है मज़ीद इसमें जो है इस तरह के घर हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि महकमा आर्कियालॉजी ने मुतालिका पुलिस स्टेशन को जो है वो दरख्वास्त दी है कि ये जो घर का मालिक है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने इनक्विटी एक्ट के ख़िलाफ़ जो है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है एनओसी नहीं लिए डेगिंग के लिए। तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR करे, ऐसा ना हो कि कोई जानबूझ के उन्होंने नवादरात को नुकसान पहुंचाया हो। तो इसी हवाले से उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है और पुलिस स्टेशन को, और उसमें कहा गया है कि मुतालिका शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें। तो अभी हम आपको नीचे लेके जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ ये आप देखें, ये ख़ूबसूरत ऊपर से यहाँ पर आपको मिलेगा क्योंकि मिट्टी से भरा हुआ है इसके जो सीढ़ियाँ है। और ये देखिए इसका ये जो आप देखिए पुराने वक्तों में जिस तरह बनाया जाता है घर, लकी भी इसका इसमें इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये उस बरामदे में हम आए हैं। अभी देखिए ये तीसरी ये देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और आप हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए नफासत के साथ खूबसूरत, लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम है। तो ये अभी हम नीचे आ गए हैं। अभी देखो ये किस नफासत से इस पर काम हुआ है खूबसूरत अंदाज में। तो ये वो घर है जो दरियाफ्त हुआ है और ये इसके मुख्तलिफ जो है मनाजर है। नीचे हम यहाँ पर आए हुए, लकड़ी का इसमें इस्तेमाल है, वज़ीरी ईंट जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है और खिड़कियाँ है इसमें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये वो जगह है, ये एक और रास्ता इसी घर से जाता है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर और भी जो है इसी तरह के घर होंगे, क्योंकि यही रास्ता उन जगहों और घरों के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। तो अभी तक ये सूरत हाल है, उस घर के अंदर हम मौजूद हैं। मज़ीद भी हम आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे।